सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज ये वीडियो जो है ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए। इस वीडियो के माध्यम से किसी भी क्रैक्ड सॉफ्टवेयर को या पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स को प्रमोट करना या यूज़ करने की सलाह देना मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लगाकर एंड तक देख लीजिएगा। सारी की सारी वीडियो जो है इन्फॉर्मेशन होने वाली है एंड एजुकेशन पर्पज़ के बेसिस पे होने वाली है, राइट। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले वीडियो की टाइटल के ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। तो वो टाइटल है, इज इट सेफ टू यूज अडोबी प्रीमियर प्रो क्रैक्ड वर्जन। इसके बारे में आगे बात करेंगे। सबसे पहले बात करना, क्या क्रैक्ड वर्जन यूज करना लीगल है या इलीगल है, यहीं से हमारा वीडियो का पहला पॉइंट निकल गया था। बेसिकली इस वीडियो को मैंने कुछ पॉइंट्स के अंदर डिवाइड किया है। सबसे पहला पॉइंट है, क्या हम ये यूज कर सकते हैं? यस, यू कैन यूज इट, बट पूरा बात सुन लो, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, बिकॉज ये सब जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये कहीं ना कहीं पेड होते हैं। आप इन सब को एक लाइसेंस लेके ही चला सकते हो, जो अडोबी क्रिएटिव क्लाउड का लाइसेंस होता है, उसके बिना आप इसे चलाओगे तो एक तरीके से ये इलीगल है। आप क्रैक्ड वर्जन तब चला सकते हो जब कहीं ना कहीं आप इसे लर्निंग मोड के हो, लर्निंग मोड में हो, वहीं पर आप सीख रहे हो। और हाल ही में अडोबी ने स्टूडेंट्स के लिए और लर्नर्स के लिए कुछ बेनिफिट्स भी दिए हैं। अगर आपने अडोबी क्लाउड्स के अंदर से लेते हो तो उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। अडोबी का क्रिएटिव क्लाउड्स का लिंक जो है बेसिकली मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, राइट। तो यहीं से हमारा दूसरा पॉइंट निकल के आता है कि अगर हम इस क्रैक्ड सॉफ्टवेयर को कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं तो क्या ये लीगल रहेगा? नहीं भाई, ये बिल्कुल इलीगल है। अगर आप किसी प्रोफेशनल वर्क के लिए काम में ले रहे हैं, या आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, या फिर आप किसी के अच्छे लेवल के फ्रीलांसर्स हैं, तो आप इससे क्रैक्ड वर्जन को सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं करते अनटिल अनलेस। कुछ लोग करते हैं, उसके ऊपर आगे भी बात करेंगे क्या कंपनी को पता चलता है या नहीं करता, लेकिन द पॉइंट बीइंग इज इट इज इलीगल टू यूज। और यहाँ पे इलीगल की बात हो रही है तो हाल ही में जब मैं इस वीडियो की रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि अडोबी की वेबसाइट पे लॉज ऑफ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट्स के अंडर में इसे क्रैक्ड सॉफ्टवेयर, इस पर्टिकुलर अडोबी के किसी भी सॉफ्टवेयर्स को अगर आप क्रैक करके यूज़ करते हो तो वो कम्प्लीटली इलीगल होगा। एंड अगर आप पकड़े जाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर फाइन देना पड़ता है एंड आपके ऊपर लाइक कंप्लेन वगैरह का भी सीन बनता है। तो अगर आप पकड़े जाते हो तभी होता है। वही बात होगी कि जब तक चोर तब तक जब तभी चोर है जब वो चोरी उसकी पकड़ी जाए या चोरी उसकी साबित हो जाए। तो आप चीज़ समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट। ठीक है, समझ गया। और यहीं से हमारे पॉइंट नंबर 3 निकल के आता है, जो है कि भाई अगर हम क्रैक्ड वर्जन सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो क्या किसी कंपनी को पता चल जाता है? तो भाई अगर आपने किसी जेन्युइन सोर्स से वो चीज़ डाउनलोड कर रखी होती है तो कंपनी को कोई पता नहीं चलता। लेकिन अगर आपने किसी अनसर्टेन वेबसाइट से या किसी अनसर्टेन सोर्स से उसे डाउनलोड किया है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वायरस आएंगे, कहीं ना कहीं उसके अंदर मालवेयर आएंगे। वो चीज़ें अगर कंपनी के अंदर डिटेक्ट हो जाती है तो वो आपके पीसी को करप्ट कर सकती है, आपके सिस्टम को करप्ट कर सकती है, राइट। ऑल राइट, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है भैया अगर मैं एक पेड वर्जन लेता हूँ और एक अगर क्रैक्ड वर्जन लेता हूँ तो बेसिकली डिफरेंस क्या क्या है दोनों के बीच में। सबसे पहला डिफरेंस निकल के आता है, सबसे मेजर डिफरेंस, आपको एक सर्विस प्रोवाइडर मिलता है अगर आप अडोबी के क्रिएटिव क्लाउड से इसी चीज़ को एक्सेस करते हो तो। वहीं अगर आप किसी भी क्रैक्ड वर्जन को डाउनलोड करते हो तो आपको कोई भी सर्विस प्रोवाइडर नहीं मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आपका फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपके पीसी के साथ, आपके सिस्टम के साथ, आपके सॉफ्टवेयर के साथ, तो आपको एक हेल्प सपोर्ट डेस्क मिलता है अडोबी की तरफ से, वहीं आपके यहाँ पर नहीं मिलेगा जहीं आप क्रैक्ड वर्जन या पायरेटेड वर्जन यूज कर रहे हो तो। दूसरा मेजर चीज निकल के आती है वो है यहाँ पे किसी भी प्रकार का अपडेट नहीं आता। होता क्या है ना यार, समय के साथ साथ कुछ बग्स निकल के आते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर्स के साथ में। लाइक हमने कोई एक प्रोग्राम डिजाइन किया, लाइक आप पीछे देख सकते हो कि यहाँ पे प्रीमियर प्रो खोल रखा है। अब इस प्रीमियर प्रो के अंदर हो सकता है अभी कुछ बग्स है, किसी को कुछ बग्स पता चले, एंड इस बग्स को अगर वो कंपनी फिक्स करती है तो वो समय के साथ साथ में अगर आपने पेड वर्जन ले रखा है तो वहां से अपडेट हो जाया करेगा। वहीं अगर आप एक क्रैक्ड वर्जन यूज कर रहे हो तो आपको वहां पे कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिलते, कोई भी बग्स को रिमूवल का केस नहीं देखने को मिलता। तीसरा मेजर चीज निकल के आती है, अगर आप पैसे वाला वर्जन लेते हो, लाइक अडोबी क्रिएटिव क्लाउड का वर्जन लेते हो, तो आपको वहां पर किसी भी प्रकार का वायरस देखने को नहीं मिलेगा, किसी प्रकार का मालवेयर देखने को नहीं मिलेगा। वहीं अगर आप क्रिएक्ट वर्जन को ले सकते हो तो हो सकता है आपके पीसी को क्रैश कर दे, हो सकता है आपके पीसी का सॉफ्टवेयर्स के अंदर जो है क्रैक, आपका डाटा लीक हो जाए, कहीं ना कहीं आपके पीसी के अंदर वायरस आ जाए और आपका जो भी एक्सपेंसिव पीसी है वो कहीं ना कहीं क्रैश हो जाए। तो ये मेजर अपडेट थे जो कि इस वीडियो के अंदर मैंने कवर किए कि यार आपको एक क्रैक्ड वर्जन और एक
पेड वर्जन के अंदर डिफरेंस क्या है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। अगर आप Adobe Premiere Pro के अंदर बिगनिंग लेवल से स्टार्ट कर रहे हो अपनी वीडियो एडिटिंग जर्नी को, तो आप जरूर से हमारे YouTube चैनल पे, हमने कोर्स बना रखा है जिसके अंदर मैंने कंप्लीट वीडियो एडिटिंग को डिस्क्राइब किया है फॉर बिगनर्स लेवल के लिए। 6 घंटे का कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने उसकी लिंक जो है बेसिकली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन के अंदर डाल रखा है, वहां जाके जरूर से चेकआउट कर लेना। एंड अगर तो भी आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। एंड अगर आप मेरे से कोई भी पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो सकते हो या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। ओके गाइस, तो आज इस वीडियो के अंदर इतना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच यहां तक देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कुछ भी डाउट हो नीचे कमेंट कर देना आपके क्या विचार है इन सारी टॉपिक के ऊपर। ऐसे ही वीडियोस हम बनाते रहते हैं जिसके ऊपर हम एजुकेशन पर्पस के रिलेटेड एंड स्टूडेंट्स रिलेटेड बात करते हैं। ये सारे सॉफ्टवेयर जो है कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स यूज करते हैं, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स अपनी कॉलेज लाइफ, अपनी स्टूडेंट स्कूल लाइफ के बाद में ये जो नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, लाइक फ्रीलांसिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, ये सारी चीज़ें जो हम बात करते रहते हैं। तो मैं भी एक फ्रीलांस वीडियो एडिटर हूँ, पिछले 2-2.5 साल से तो वीडियो एडिटिंग कर ही रहा हूँ एंड काफ़ी अच्छे अच्छे क्लाइंट्स भी मेरे पास हैं। मैं भी एक पेड वर्जन वाला प्रीमियर प्रो यूज़ कर रहा हूँ, पीछे आप देख सकते हो, चल झूठा। तो आई होप सो भी आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर तो भी आपको लगता है वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। बाय बाय।